यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कंप्यूटर टीचर्स और साथ ही कंप्यूटर लैब अटेंडेंट टीचर्स का प्रदर्शन जारी है। तो अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। इसी कड़ी में ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, शिक्षा सदन के घेराव के बाद ये लोग माजरी चौक पहुंच चुके हैं। तो पंचकुला से बड़ी खबर आपको दे रखी है, साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया है और स्थिति को संभालने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं पंचकुला के, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। माजरी चौक के लोग पहुंच चुके हैं, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि किरण अरोड़ा हमारे संवाददाता पंचकुला से फोन लाइन पर है। शशि, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से जो है कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर लैब सहायक सैकड़ों की संख्या में आज पंचकुला पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार ने जो उनके जो है वेतन जो कहा था देने के लिए वो उनको नहीं दिया था। अपनी इसी मांग को लेकर वो आज पंचकुला पहुंचे थे। पहले इन्होंने शिक्षा सदन का घेराव किया और उसके बाद जो है तहसीलदार इनसे बात करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन इन्होंने तहसीलदार से बात करने से इनकार कर दिया और ये माजरी चौक की तरफ रवाना हो गए। माजरी चौक पहुंचकर इन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। भारी पुलिस बल जो है तैनात है, इनको काबू करने के लिए। हालांकि अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनको इन पर काबू नहीं पाया गया तो पुलिस जो है हल्का बल प्रयोग और जो वाटर कैनन का प्रयोग इन पर कर सकती है। जी, क्या फिलहाल जाम खुलवा लिया गया शशि? ज्योति, जिस तरीके से अभी जो ये शिक्षा सदन से जो है रवाना होकर माजरी चौक की तरफ पहुंचे और इन्होंने जो है नेशनल हाईवे को जाम किया, अभी स्थिति जो जाम की ही बनी हुई है। हालांकि जो तहसीलदार है पंचकुला प्रशासन की ओर से वो मौके पर पहुंचे, इन्हें मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या सरकार की ओर से बातचीत की कोशिशें की गई है, क्योंकि एक बार फिर से लोग सड़कों पर हैं? शशि, बिल्कुल ज्योति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से पंचकुला प्रशासन की ओर से जो तहसीलदार जो कि सरकार के नुमाइंदा है जिसको कह सकते हैं कि वो काफी समय से इनके पास पहुंचे हुए हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो है बात करने से साफ इनकार कर दिया है। इस समय भी जब ये माजरी चौक पर जो जाम लगाए हुए तहसीलदार मौके पर मौजूद है, बात करने का प्रयास कर ले, लेकिन जो प्रदर्शनकारी बात करने को कतई तैयार नहीं है। आपकी बातचीत हुई होंगी इन लोगों से, आगे की रणनीति क्या है इनकी? जी ज्योति, जिस तरीके से इन्होंने जो आज का पहले कार्यक्रम बताया था, आज इन्होंने कहा था कि शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इनकी जो समस्या का कहीं ना कहीं कोई हल निकल आएगा। हालांकि इन्होंने अभी जो अगला कदम क्या लेते हैं उसके बारे में अभी कुछ भी खुलासा इन्होंने नहीं किया है। फिलहाल इन्होंने जाम लगा रखा, हो सकता है कि सरकार की ओर से इन्हें कोई आश्वासन मिले और उसके बाद जो है हो सकता है कि आज इनका जो आंदोलन स्थगित हो जाए। अगर सरकार की तरफ से इनको आश्वासन नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि अपना आंदोलन और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शशि, स्थिति ना बिगड़े और व्यवस्था कायम रहे इसके लिए कितनी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है फिलहाल? जी ज्योति, जिस तरीके से पिछले तकरीबन 25 दिन से पंचकुला में रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे, अलग अलग विभागों के जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस अलर्ट है, पंचकुला प्रशासन अलर्ट है, काफी मात्रा में जो है पुलिस, काफी संख्या में जो भारी पुलिस बल जिसको हम कह सकते हैं पंचकुला में काफी समय से जो तैनात रहता है ताकि जो है इनको प्रदर्शनकारियों को जो काबू में रखा जा सके। और आज भी हालात यही है कि भारी मात्रा में जो है पुलिस फोर्स मौजूद है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को उग्र ना होने दिया जाए। जी शशि, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी देंगे आपके जरिए कि मांगे क्या है इन लोगों की जो कि लगातार बरकरार है। तरीके से जो है पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे जो आज तक का जो लंबा प्रदर्शन है कंप्यूटर टीचर्स और कंप्यूटर लैब सहायकों का रहा है। इससे पहले भी कई महीनों तक लगातार ये पंचकुला में प्रदर्शन करते रहे, कई बार इनको जो लाठियां भी इनको सहनी पड़ी, वाटर कैनन का कई बार इन पर प्रयोग हुआ, कई बार जो है ये लोग घायल हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद ये पंचकुला से यात्रा करते हुए जो है पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे, वहां भी इन्होंने जो है अपना जो धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि इनकी जो है कुछ सैलरी बढ़ा दी जाए, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आज भी जो इनको बढ़ी हुई सैलरी इनको नहीं मिली है उसी मांग को लेकर ये पंचकुला में इकट्ठे हुए। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए, आपसे एक बार फिर से अपडेट भी लेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें पंचकुला से दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता शशि किरण अरोड़ा की ओर से भी जानकारी दी गई कि पहले आश्वासन दिया गया था लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहा, मांगी मानी नहीं गई, जिसके चलते एक बार फिर से ये लोग सड़कों पर हैं, जिसकी तस्वीरें खबरें अभी तक आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। पंचकुला से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और कंप्यूटर टीचर्स हैं
दूसरी ओर पुलिस है उनको रोकने के लिए, स्थिति कायम करने के लिए, हालांकि रूट जाम किया गया है, उसको खुलवाने की कोशिशें जरूर हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जाम की बनी हुई है नेशनल हाईवे पर। तो प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम किया है। ये तस्वीरें पंचकुला से हम आपको दिखा रखे हैं। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से ये लोग मुखर हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि तहसीलदार जब पहुंचे बातचीत के लिए तो बात करने से इन लोगों की ओर से इनकार कर दिया गया इस मामले में।